डीएपी का अभाव है बंदरा में, कई किसान कह रहे हैं कि कालाबाजारी से मिल रहा है, क्या कहेंगे? जब किसान अभी खेती के लिए तैयार हुआ है, जल जमाव से मुक्त हुआ है, विलंब से तो खेती ही हो रहा है, लेकिन डीएपी का घोर किल्लत, त्राहि त्राहि किसान कर रहा है जी। कहीं 1600, कहीं 1800, कहीं कुछ। और हमारे जो कृषि पदाधिकारी हैं, प्रखंड के कृषि पदाधिकारी हैं, उनका तो कहीं था पता नहीं है। वो ना तो दुकान निरीक्षण करते हैं कि कैसे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। जिला कृषि पदाधिकारी हैं, उनसे भी संपर्क करने पर वो भी नहीं बता पाते हैं। हमने तो जिला पदाधिकारी तक से बात करी थी। जब जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार जी से हमने फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि सर ये हाल सिर्फ मुजफ्फरपुर का नहीं है बल्कि पूरे बिहार का। तो जनता दल का प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन देने का काम किया कि किसानों को सही मूल्य पर डीएपी उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद में हमारे पूर्व विधायक जदयू के नेता महेश्वर प्रसाद यादव जी ने भी ज्ञापन देने का काम किया जिला पदाधिकारी को, लेकिन अभी तक हालचाल ठीक नहीं हुआ। गायघाट के विधायक को फुर्सत कहाँ है इस सब काम के लिए? वो तो अपने काम में लगे हुए हैं, उनको क्या मतलब जनता की समस्या से कि किसान जूझ रहा है, कि पानी में डूब रहा है, कि उसको बाढ़ राहत चाहिए, कि किसान इनपुट चाहिए। इन सब बात से राजद विधायक निरंजन राय जी को कोई सरोकार नहीं। किसान के बेटा को तो किसान का दर्द समझ में आना चाहिए। अब तो उस क्षेत्र की जनता ही बताएगी कि वो नेता जी बन के हैं कि बेटा जी बन के हैं, वो तो क्षेत्र की जनता ही बताएगी कि किन किन समस्याओं में उसके साथ रहे हैं, या उसको बाढ़ राहत दिलाने का काम किए हैं, या उचित मूल्य पर डीएपी उपलब्ध कराने का काम किए हैं, या किसी भ्रष्टाचारी को पकड़वाने का काम किए हैं, वो तो जनता ही जानती है, देख रही है जनता। तो फिलहाल जो डीएपी की समस्या है कितने दिनों से? ये तो शुरुआत से ही इस तरह की समस्या है। शुरू के दिनों में जब जरूरत नहीं था हम लोगों को, किसानों को जरूरत नहीं था, तो क्या मालूम कि क्या है डीएपी का, तो जल जमाव था। तो जल जमाव जब खत्म हुआ है, जब किसान खेती करना चाह रहे हैं तो उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अब कोई कहीं किसी दाम में कहीं कहीं से लाता है, कहीं कहीं से खरीद। तो जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि चुने गए हैं पंचायत में, वो लोग भी नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी लोग लोकल हैं, बोलेंगे तो फिर विरोध की बात हो जाएगी। अब तो उनको देखना पड़ेगा, जब शपथ ग्रहण समारोह उनका हो जाएगा तब वो क्या करते हैं, वो तो देखना पड़ेगा। हमको तो लगता है काम करने वाले लोगों को शपथ से क्या मतलब है, वो तो जिनको अधिकार मिला है वो तो अभी से काम कर सकते हैं। ये भी सही बात है, आपका कहना आपके बात से मैं सहमत हूँ, उसमें पद और अधिकार की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बिना पद का ही बोलते रहता हूँ, कहते रहता हूँ। चूंकि उन्होंने कहा भी था कि हम सच्चा सेवक हैं, हमको काम का मौका मिलना चाहिए, जुझारू होना चाहिए, तो हमको नहीं लगता है कि किसी चीज को करने के लिए शपथ की जरूरत है। जरूर जरूर, मैं आपके उन लोगों को अभी से एक्टिव हो जाना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे वर्तमान प्रदेश? मैसेज देना चाहेंगे कि अभी से वो नजर डालें कि कहां जनता को तकलीफ हो रहा है, किस बात से तकलीफ हो रहा है, वहाँ जाकर के वो एक बार देखें, उनके देखने से ही फर्क पड़ना शुरू हो जाए। बंदरा में कई प्रतिनिधि खुद को दमंग कहते हैं, तो दमंग लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि काम में दमंगाई दिखनी चाहिए कि नहीं? वो जैसा कि मैं पीछे आपके चैनल के माध्यम से दमंगाई की परिभाषा सुना हूँ जी, तो उसको यूटिलाइज करते हुए भी मैं देखना चाहता हूँ जी। लोगों ने कहा कि मैं दबंग इसलिए हूँ कि गरीबों का हक किसी को नहीं खाने दूंगा, तो आज जब किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वहाँ पर उनकी दबंगई देखनी चाहिए, उनकी आवाज भी आनी चाहिए, काम भी देखना चाहिए। आपके चैनल से ही मुझे दबंगई की परिभाषा मिला था, लोग बता रहे थे कि गरीबों को जुल्मों से बचाना ही मेरा दबंगई है। तो काम में तो नहीं दिख रहा है, तो वो तो जनता देख रही है। क्या परिचय हुआ आपका? मनोज कुमार झा, जिला उपाध्यक्ष जनता दल यू, मुजफ्फरपुर।